हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीमीटर का यूज जानेंगे और इसका सब की का फंक्शन भी जानेंगे और ये प्रोब कब कब कहाँ यूज होता है उसको भी जानेंगे। देखिए, ये है जो ब्लैक प्रोब है वो कोरोनेट प्रोब है, वो कॉमन है। और ये जो रेड प्रोब है इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जब करंट का रिक्वायरमेंट हो, जब वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हो, उसी हिसाब से हम उसको अल्टर करते रहेंगे। देखिए कौन से पोजीशन में हम शिफ्ट करेंगे उसको, वो भी देख लेंगे। अब देखिए, ये एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, ये सब ओम है और कंटिन्यूटी देख सकते हैं, और डायोड का है, एम्पियर का है, सब चीज़ का यहाँ पे दिया गया है। हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे। देखिए, ये जो हर एक की है उसका सब अलग अलग फंक्शन है, कौन सा फंक्शन कहाँ है वो अब हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए, इसको हम एसी वोल्टेज में शिफ्ट करेंगे जब एसी वोल्टेज देखना है, जब डीसी वोल्टेज देखना है नेक्स्ट अभी इसमें शिफ्ट करेंगे। अब हमको अगर करंट देखना है तो करंट यहाँ पे देखिए करंट है, और यहाँ पे प्रोब, करंट का प्रोब यहाँ पे लगेगा, इसीलिए हम जब वो नॉब को घुमा के उसको करंट में शिफ्ट करेंगे, उस कंडीशन में ये रेड वाला प्रोब को हम निकाल के हम एम्पियर वाला स्लॉट में लगाएंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे ऑटो मैनुअल सेट कर सकते हैं जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमारे मिली एम्पियर और एम्पियर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, हम एम्पियर में लगा के एम्पियर का देख सकते हैं, जब एम्पियर ज़्यादा एम्पियर वाला कहाँ पे मेजरमेंट करना है तो उस कंडीशन में हम एम्पियर वाला स्लॉट में ही लगाएंगे। कॉमन वैसा ही रहेगा, एक ही जगह में फिक्स रहेगा, और जब मेजरमेंट हो जाएगा तो उसको हम वोल्टेज वाला में फिर से लगाएंगे। अब देखिए, ये है प्रोब है, दोनों प्रोब है, उसका कॉन्टैक्ट है। इसको हमेशा हम जब डीसी का टेस्ट करेंगे तो उस कंडीशन में रेड वाला पॉजिटिव में रहेगा और ब्लैक वाला नेगेटिव में, और एसी कंडीशन में वो रिवर्स होने से कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, एसी वोल्टेज हम देख रहे हैं 236.9 है एसी वोल्टेज, अब दिखा रहा है। अब देखिए, हमारा नॉब एसी पे ही सेट है, हम अगर डीसी में या दूसरा जगह में शिफ्ट करते हैं तो कोई वैल्यू ऐसे नहीं दिखाएगा। अब ये देखिए, हम ओम पे सेट किए हैं और इसको हम ये वाला बटन दबा देने के प्रोब को आपस में टच कराएंगे तो कंटिन्यूटी से पहले ये हमको क्रॉस चेक कर लेना है कि कंटिन्यूटी में सेट है कि नहीं। देखिए, ओके, थैंक्स।